तो अशफाक सुहेल का बोला था, बोले यार मैं ना वो नमाज पढ़ के खानवा लेके आता हूँ, इतनी मेहरबानी मत कर, मतलब खानवा में मंगा लेंगे, अपने पास गाड़ी बहुत है ना। अरे बोले यार इसे पहले सारे खानवा आ रहा, मतलब ये खाना खाए आ रहे, बोले बेहतर है मत आ, तब मत आ, तब मेहरबानी कर, ये तुगे शादी कर ली तो मैं खा ले, और तुगे जब आएगा जब आ। तकल्लुफ नहीं है, पुरतकल्लुफ है। खाने के मामले में, बातचीत के मामले में बिल्कुल तकल्लुफ नहीं, अगर तकल्लुफ किया तो तकलीफ में आ जाएंगे, है ना। अगर संगीत की अगर मैं कोई को बात करते हुए देख लिया तो उसके ऊपर डन, अभी अपने आपको तकलीफ में डाल लिया। हाँ एक बात समझ लेना, यहाँ बैठो क्या यार, कितना साल हुआ, कितना रह गया, कितना वो सब छोड़ के तो आए, छोड़ाए हम। सबसे पहला डर मुश्ताक के ऊपर लगा दे, कबूल है। अबे इतनी की गैर संजीदा बात इतनी संजीदगी से बोल। अच्छा मुश्ताक भाई नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, हाँ तुम्हारी मदद पूरी कर देंगे बस। नहीं ना अभी मौका था, रस्म दुनिया भी दस्तूर भी है। देखो यहाँ पे ना मेरे पास कोट पैंट सब ड्रेस है, सारे कॉस्ट्यूम मिल जाए, पुलिस वाला ले जाओ उसके अंदर, मतलब चाहे जो मैं कर सकता। हाँ डॉक्टर भी बन सकते हो, पुलिस वाले बन सकते हो, बस चोर मत बनना, क्योंकि यहाँ चोर तो कोई बचा नहीं, क्योंकि एक है मौजूद दूसरों की तरह नहीं, एक है मौजूद, देख लोग ले एक है मौजूद। अरे पूरे लोग सिर्फ रिजवान रिजवान, अबे भैया मैं एडमिन हूँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ भैया मैं एडमिन हूँ, कोई माने क्या, लोग गेट में नहीं घुस, लोग बोलना इतना गुस्से में कि एडमिन को एडमिट करने के चक्कर। देख क्या क्या बोल रहा है तू, यहाँ आके पर मैं अकेला क्या क्या सुनूं, कोई मेरे को कॉर्पोरेट चाहिए नहीं, मगर एक मुझे ज्यादा शक अच्छा है ना कि भाभी इनको घर पे अकेले रहने देना ही नहीं चाहते। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ भाई, अब यहाँ पर दो लोग इस बात की गवाही देते, वहाँ पर मामला खत्म हो जाता है। अभी अभी सुन ले यार, यहाँ तो तमाम ही मेंबरान गवाही दे रहे भैया, अबे तेरी माँ का तू वो बन गया। तो वो गेस्ट लाने गए थे, अबे जहाँ शादी मिलती तो वहाँ नाटक लगते थे, जहाँ शादी का मंडप दिखा कौन है क्या भाड़ गए। हम लोग को एक बार याद है इसराइल सर, अपन गए थे इलेक्शन का एक पीरियड, कोई आया था, कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा था, मतलब कारपोरेशन का था शायद। तो इसराइल सर हम लोग सब पांच छह लोग जितने थे ना अपने, सबको ले गए उनके पास, सर हम तुम्हारा काम करेंगे बोले। टूटे हुए खाबो मोहम्मद रफी के वो भी घर पे टेप नहीं और गाना ये, तो बोले चलो आओ चलो एक कड़ी सुनाओ। मैं गया स्टेज पे, टूटे हुए खाबो ने हमको ये सिखाया है, आप बैठ जाओ बोले। जो बाहर वाले और यहाँ वाले एक होटल बना लीजिए, होटल होटल अच्छा, और वहाँ आगे खाने का रिटायरमेंट के बाद फंड मिलेगा ना, एक एक लाख रुपया दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। वो अलग बात है कि दस नहीं जमा होता, हमें आधार नहीं जमा होता। कैसी गुजर रही है खान साहब, कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी भाई, कुछ अपनी सुनाइए, कुछ हमसे सुनिए, कुछ सुना देंगे तो यही है जी कि वो दिन याद आ रहे हैं जब एमएसजी कॉलेज में एमए कर रहे थे और अकरम जो है वहाँ का स्टूडेंट नहीं था, और एमएसजी कॉलेज एनुअल डे था, हाँ जी गीत का कंपटीशन जी, हमारे साथ जो है अकरम शेख नाम का एक लड़का था,
बस वही अकरम शेख के नाम पर इसको गवा दिया और पहला ही नाम लेके आ गया। जो अच्छी चीज है वो बता रहे, अपनी बेइज्जती हम लोग दोनों की बेइज्जती नहीं बता रहे। अबे ई और मैं साइकिल पे वक्त साइकिल पे वो कैंप में वो जो मार्केटो है अभी जो शिवाजी जिम खाना है जो ओके पीछे एक क्लब रही, हम वहाँ एक लड़की के साथ मैं गाय वाले रू तेरे नैना याद आया तेरे नैना मेरे नैनों से। अब वो जब शुरू करे तो जैसे वो गाय शुरू करे तेरे नया नया दिन तो नहीं नहीं मैं गुजरा कई दिन तो अबे लेकिन बहुत ही यार रोज आवत रहा यार हम लोग डबल सी यार। असल में उसमें क्या था हम लोग ग्रुप में ना डेरिंग ये इसराइल से ही करते थे। अरे बाबा डांटो मैंने कहा कि मुझे ओपल उलमा अच्छी तरीके से याद है जब सिटी कॉलेज के पीछे का हिस्सा जो था हम लोग उसको बैंड स्टैंड कहते थे। उस कमरे में पाटिल सर पढ़ा रहे थे इंग्लिश सर ज्योग्राफी का पीरियड है। टीचर बनने के बाद मैं उनसे मिलने के लिए आया जब उनका प्रोग्राम था अपना अकरम भी था उस प्रोग्राम में जो इसके लाइब्रेरी के अंदर रखा गया था रिटायरमेंट के बाद। तो उस प्रोग्राम के बाद मैं दूसरे दिन उनके घर पर गया मिलने के लिए कुछ तोहफा आया था दिया। अबे तू बैठ पहले क्या कर रहा है मतलब टीचर बन गया उसे क्यों कौम के मुस्तकबिल से खेल रहा है। अबे क्यों कौम के मुस्तकबिल से खेल रहा है साले तेरे जैसे टीचर बनेंगे तो कौम का क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तो बाद में बोले उन्होंने बोले बेटा बोले ये तो मैं मजाकन बोल रहा था लेकिन बोले मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऐसा कोई टीचर होगा नहीं। सर अल्लाह का शुक्र है इस बारे में। हमारे उस्मान गनी सर थे तहजीब स्कूल के उनका उसूल था कि वो पढ़ाते थे ना बैठ कर पढ़ाते थे और सिर्फ सवाल जवाब लिखाते थे। अब सिटी कॉलेज के पीछे जहाँ अपने होटल में बैठते थे वहां मुलाकात हो गई। अबे इधर आ इसराइल मतलब जी सर बैठ चाय पी क्या कर रहा है बोला सर टीचर बन गया क्या बात कर रहा है क्या पढ़ाता है बोला सर ज्योग्राफी पढ़ाता है। अरे सुनो ना आगे बोले मेरे जैसा पढ़ाता है बोला नहीं सर बोले फिर बोला ईमानदारी से पढ़ाता है। साले तू अभी भी सुधरा नहीं है। बिना पाठक चीफ गेस्ट थे प्रोग्राम खत्म हुआ तो बाहर खड़े थे गाड़ी आए तो तो बिठा के भेजाएंगे तो मैं सही साहेब बिना पाठक खड़े थे गाड़ी का इंतजार कर तो बच्चे आने लगे ऑटोग्राफ या ये वो तो साहेब बोलते थे कि नहीं चल भाग भाग तो बिना पाठक बोलो साहेब आने दो बच्चे बोले बहुत। और हम लोग ना चिंटू की शूट करते थे पंचगनी में दीप्ति भटनागर का जो वो बंगला था उसमें हम लोग वहीं रुकते भी थे उधर ही शूट करते थे। तो वहाँ का जो मेन संभालता था ना तो उसका क्या डायलॉग था पता है जैसे सुबह में नहाना है जैसे पावर वगैरह नहीं है चली जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगा तो क्या बोलता है बोले भाई लोग बोले सब लोग जल्दी जल्दी नहा के ले लो बोले बोला नहीं हम लोग लेके नहाते हैं। तुम इतनी दूर अबे बहुत दूर हो गया बोले बैठ जाओ। मोरे सर थे 11वीं 12वीं में अरे क्या आदमी था यार हकीकत में वो रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जो पढ़ाता था वो आज तक के मुझको याद है उसके लिए। अरे अपने मामू अरशद सर वो बेचारे पढ़ाते थे हम लोग पीछे से मामू चिल्ला के भाग जाते पहले भी तेरा एक दादा बहुत अच्छी थे याद है एनएसएस कैंप था अपना ये मालेगांव स्कूल नहीं नहीं तहजीब में तो वहाँ ये नईम ये लोग भी थे ऐसा है वैसा है अब नईम को ना कुछ उसका है लोगों को बोले यार वो हेटर की ना मजा लेने का अब आया ये है दोनों में जरा सा बहस हो ये है वो है तो उसने ना जब ये इसको मजा ले डाला बहुत गुस्से में आया बहुत गड़ाक बोला अबे हिटलर तू इसका इतना मासूमियत भरा जवाब था चाहूंगा इसराइल समझे इलियास कुछ लोग यहाँ पार्टी में ऐसे हैं जो सिर्फ इस हिसाब से आते अपन अभी पहुंचेंगे
और खाएंगे निकल जाएगी है ना। और ये चीज से मेरे को बहुत ढेर चिड़ा है, बे इंतहा की चिड़ा है। तो यही हिसाब से खानो लेट कर दो सुन तो अशफाक, सुहेल का बोला था बोले यार मैं ना वो नमाज पढ़ के खानवा लेके आता हूँ, इतनी मेहरबानी मत कर, मतलब खानवा में मंगा लेंगे, अपने पास गाड़ी बहुत है ना। अरे बोले यार ऐसे पहले सारे खानवा आ रहा, मतलब ये ना खाना खाए आ रहे, मतलब बेहतर है मत आ, तब मत आ, तब मेहरबानी कर, ये तुगे शादी जल्दी तो खा ले और तुगे जब आएगा जब आ। आज की इस तकलीफ की सबसे पहले हमारे जो सर है मोहतरम रिजवान खान साहब की खिदमत में मैं अशफाक उमर साहब को आवाज दूंगा कि वो आए और सर मोहतरम की खिदमत में जो है फूल देकर अपनी मोहब्बत के इजहार करें। मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे सर चिलचिलाती धूप है, तपती जमीन है, हवाएं मुखालिफ हैं, ऐसे वक्त में हम दोस्तों ने हरा भरा दरख्त बना लिया है जिसके तने जिसकी शाखें फैली हुई हैं। जब थक जाते हैं तो सब जमा हो जाते हैं, ठंडी हवाएं और मौसम खूबसूरत, इसमें मजा उस वक्त आ जाता है जब हम दूर के मुसाफिरों को देखते हैं जो चले आ रहे हैं, जो हमारी मोहब्बत में चले आ रहे हैं। अपनी मिट्टी सोना है, इसके मिस्ताक मालेगांव की जमीन से निकलकर पूरे महाराष्ट्र के उफक पर छा जाने वाले जनाब खान इसराइल सर, और मोहब्बत उल्फत जवान होती है तो ऐसे दोस्तों का हसीन सर्कल कायम होता है, ऐसे हसीन दोस्तों का जमघटा लगता है। इसराइल सर को एहसास मिला, मैंने कॉल करा था कि कामयाबी की तरह कोई कामयाब नहीं होता, मगर ये नहीं सच है कि कामयाबी कोई दरख्त पर लगा हुआ सेब नहीं है, कोई गुलाब नहीं है कि हाथ बढ़ाया और तोड़ दिया और अपने दामन में सजा लिया। कामयाबी के लिए जहदे पहम, कोशिश, अमल, मोहब्बत और बहुत ज्यादा अंग्रेजी करना पड़ती है, तब कहीं जाकर कोई कामयाब की तरह कामयाब होता है। तो इसराइल सर बैक टू डे कई एजाजात की कहकशा उन्होंने अपने सीने पर सजाया, और क्या स्मार्ट थे हमारे रिजवान सर उस जमाने से, अरे अभी भी है। मैं एक ही ख्वाहिश किया करता था सही मानू रिजवान सर को भी, उस वक्त उनके बाल का स्टाइल अनिल कपूर का उरूज था उस वक्त, दाढ़ी बढ़ाकर थोड़ा सा चलना, तो वो दिन और 30 साल का अरसा गुजरने के बाद आज के दिन
है ना, तो हमने देखा है खिजा में भी तेरी आमद के बाद कौन सा गुल था जो गुलशन में तरोताजा ना था, और हम कसीदा खान उस शख्स के लेकिन खास इतना कहते हैं कि रही ने मिन्नत गाजा ना था, है ना, ये वो सब गुलाब है। अकरम खान सर, अगर मैं इनका जिक्र नहीं करूं, गाहे गाहे बाद खा इक्कीस साहे पारी ना है, मैंने खान सर से सुना था, मेरे आइडियल रहे वो, प्लीज गाहे गाहे बाद खा इक्कीस साहे पारी ना। अगर तुम अपने दिल के सपनों को हरा रखना चाहते हो तो कभी कभी उसकी गली से भूल जाकर, उसकी गली मतलब किसकी, महबूब की गली, ये हमारे महबूब। अब महबूब का मतलब वही नहीं होता है जो हम समझ रहे हैं, दोस्त भी होता है, बेटा भी होता है, भाई भी होता है, ये हमारे दोस्त है सब महबूब। तो इसीलिए हम लोग गाहे गाहे आपसे मोहब्बत करते हैं और आप भी उसका हक अदा करते हैं, सही मानो में 50,000 इज टू मच, कम कीमत नहीं है, मैं गवाह इस बात का, किसी जमाने में भी इस शो से बहुत करीब रहा मगर बहुत दूर हो गया। तो खान सर जब यहाँ पे आ जाते हैं तो अपनी दहलीज को इस तरीके से मुअत्तर कर देते हैं कि प्यार की खुशबू से महका है मेरा घर, देखिए आपकी आमदनी है आमद फसल बहार, है ना। तो खान सर पूरी मैं बहुत बहुत गांव की तरफ से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।